नमस्कार, लोकमत न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन। आज 2 अप्रैल 2018 यानी दिन सोमवार की दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ लिए चलता हूं। SC ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ भारत बंद का पूरे उत्तर भारत में दिखा असर। मेरठ में पुलिस चौकी और 2 बसें फूकी गईं। ग्वालियर और भिंड में भी कर्फ्यू जैसे हालात। SC ST एक्ट पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी माफी मांग ली है। इससे पहले उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया, नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल से बोला था सॉरी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गेस्ट हाउस की 9 दिनों के लिए बिजली काटी गई। उन्होंने नहीं चुकाई थी 1.67 करोड़ रुपए का बिजली बिल। सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद आज फिर से नहीं हो पाया लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 60 रनों पर किया ऑल आउट, दर्ज की क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह 38 भारतीयों के शव लेकर अमृतसर पहुंचे। इराक में इन भारतीयों की हुई थी मौत। हैदराबाद में न्यूज एंकर ने 5वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन। स्पाइस जेट की महिला कर्मचारियों के अंडर गारमेंट्स उतरवा कर ली गई तलाशी। बागी 2 ने पहले वीकेंड पे 73 करोड़ रुपए की कमाई करके साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और हेल्थ जगत की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए लोकमत न्यूज.in पर।